बार नामांकन करने के लिए यहाँ आया हूँ और हम अपने साथ झाल लेकर आए हैं। ये झाल लाने का सबसे बड़ा कारण है कि एक व्यक्ति अपने परिवार की राजनीति करता है, अपने परिवार को आगे बढ़ाता है। दूसरा, जमशेदपुर में चंद कुछ लोग हैं जो जीवन भर करोड़ों खरबों कमाते हैं। जब उनको लगता है कि अब करोड़ों रुपए मेरे अकाउंट में हो गए हैं तो उनको लगता है कि मुझे विधायक बनके एक ऐसो आराम की जिंदगी और नाम कमाना चाहिए, क्योंकि पैसा हो गया है तो उस वक्त विधायक बनेंगे, चार बॉडीगार्ड मिल जाएगा, समाज में इज्जत हो जाएगी। लेकिन अगर वैसे व्यक्ति को समाज का इज्जत और समाज का सेवा करना था तो उसके पास बहुत पैसा था, उसको विधायक बनने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जमशेदपुर की जनता लगातार 25 सालों से, 24 साल झारखंड बने हो गया, उससे 5 साल पूर्व से रघुवर दास जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, 5 साल सरयू राय जी मुख्यमंत्री थे, अन्य कई पार्टी के सांसद यहाँ रहे, लेकिन जमशेदपुर में आज तक ईएसआई हॉस्पिटल नहीं बना। इसको लेकर चर्चाएं नहीं हुई। मेरा इस बार चुनावी का मुद्दा है कि जमशेदपुर पूरी विधानसभा क्षेत्र में जो गरीबों को गमरिया जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए, 500,000 रुपये टेम्पो का भाड़ा देना पड़ता है, वैसे लोगों को वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा कारण जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में ईएसआई हॉस्पिटल बनवाना है। और दूसरा, सदन में जब पूरे समाज 1932 खतियानधारी समर्थक जब हम लोगों को गाली देता है तो सारे राजनीतिक दल के नेता वहाँ मौन बैठते हैं। वो चाहे बिहारी हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे साउथ के हो, चाहे कश्मीर के हो, चाहे पंजाब के हो, हर लोगों को यहाँ बाहरी बोला जाता है, घुसपैठ बोला जाता है, तब सब लोग शांत होकर सुनते हैं क्योंकि उनको इनसे मतलब नहीं है। लेकिन वो पार्टी के नेता को वोट हम ही से लेना है, लेकिन हमारा साथ नहीं देते हैं। इसलिए हम लोग, जनता इस बार हमेशा से झाल बजाती आई थी, झाल बजाने वाली जनता इस बार अपना उम्मीदवार लेकर आई है और इस बार हमारी जनता जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से मेरे साथ खड़ी है और मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।